अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास, हाउ आर यू ऑल स्टूडेंट्स। और स्टेप नंबर 5, रीडिंग ऑफ चैप्टर नंबर 6 पार्टिकल्स वाज कंटिन्यू एंड वी हैव कंप्लीटेड ओवर रीडिंग अप टू पेज नंबर 81। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट रीडिंग, ओपन पेज नंबर 82। स्टूडेंट्स, बेटा हम लोग पार्टिकल मॉडल के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तमाम जो हैं वो पार्टिकल की फॉर्म में पाई जाती हैं, ठीक है जी, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। दीज साइंटिफिक मॉडल्स आर शोन इन द डायग्राम। ये साइंटिफिक मॉडल जो हैं वो आपको डायग्राम में बताए गए हैं कि किस तरह से सॉलिड, लिक्विड और गैसेज में पार्टिकल्स जो हैं वो अरेंज होते हैं। मॉडल ऑफ पार्टिकल्स इन अ सॉलिड, स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होल्ड द एटम्स और मॉलिक्यूल्स। बेटा सॉलिड में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, जो मॉलिक्यूल्स को और एटम्स को एक दूसरे के साथ बाउंड किए रखती हैं। देखिए आपके सामने ये कितने ज़्यादा क्लोज हैं, मॉलिक्यूल्स और एटम्स सब एक दूसरे के काफ़ी क्लोजर हैं, और ये आपके सामने जो ये डॉटेड लाइंस शो हो रही हैं ये इसकी फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन शो की जा रही हैं। दिस द पार्टिकल वाइब्रेट बट दे आर नॉट एबल टू ब्रेक फ्री, दिस इज़ वाई अ सॉलिड हैज़ अ फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। यानी पार्टिकल जो हैं वो वाइब्रेट करते हैं लेकिन वो एक दूसरे से दूर होना, एक दूसरे के साथ अलग अलग होके इधर उधर मूव कर जाना, ये उनको अलाउ नहीं है। इसी वजह से पार्टिकल्स की जो शेप है और वॉल्यूम है बेटा वो फिक्स होता है और उसमें चेंजिंग नहीं आती है। नेक्स्ट देखिए, मॉडल ऑफ पार्टिकल्स इन अ लिक्विड। लिक्विड में कैसे होते हैं ये देखें आपके सामने, लिक्विड में इनके बीच में गैप थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है लेकिन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अभी भी मौजूद हैं। ये फ्रीली मूव कर सकते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्योंकि इनके बीच में स्पेसेस मौजूद हैं। एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड क्लोज टुगेदर, एटम और मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब होते हैं बट नॉट टाइटली, लेकिन इतने ज़्यादा वो टाइटली पैक नहीं होते, नॉर इन एनी पार्टिकुलर पैटर्न, ना ही उनका कोई पैटर्न खास तौर पर स्पेशली बना हुआ होता है। दे हैव इनफ एनर्जी टू मूव अबाउट मोर देन इन लिक्विड मोर देन इन अ सॉलिड सॉरी द इनकी एनर्जी भी बेटा इतनी नहीं होती जितनी के सॉलिड में होती है। दिस इज़ वाई द लिक्विड कैन फ्लो। आपको पता है कि लिक्विड जो है वो फ्लो करके बह के दूसरे कंटेनर में डाला जा सकता है, जैसे कि आप ग्लास को ग्लास के अंदर पानी को डाल सकते हैं, ठीक है जी, बॉटल से। एट द सर्फेस द पार्टिकल्स अट्रैक्ट वन अनदर फॉर्मिंग अ काइंड ऑफ स्किन ओवर द लिक्विड। यानी इसके आपको पता है कि जैसे अब फ्लो करता है वाटर तो इसकी एक स्किन, एक जो पैटर्न है वो एक फिक्स होता है, ठीक है, लेकिन इसी की बात बता रहे हैं कि इसकी जो आउटर साइड पे जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी अट्रैक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि वो उनकी कोई स्किन टाइप की फॉर्म करें लिक्विड की, ठीक है। इसी वजह से ये नहीं कि जब आप लिक्विड को फ्लो करते हैं तो पानी का कोई कतरा इधर उड़ के जा रहा है, कोई इधर ड्रॉप उड़ के जा रहा है, ऐसा तो नहीं होता ना, इसीलिए वो आपको कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि कोई स्किन टाइप की जो है वो लिक्विड के ऊपर फॉर्म हुई हुई है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है जी, ऐसा अज्यूम किया जा रहा है जस्ट। नेक्स्ट देखिए बेटा, मॉडल फॉर पार्टिकल्स इन अ गैस। गैस में कैसे पार्टिकल मॉडल होता है ये देखिए आपके सामने जो डायग्राम बनी हुई है, इनके बीच में बहुत ज़्यादा गैप्स होते हैं, गैसेज जो हैं गैस के मॉलिक्यूल्स और एटम्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा फासले पर होते हैं और वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, ठीक है, इनकी कोई फिक्स शेप इसलिए नहीं होती। देखिए रीड करते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर फार अपार्ट, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा फासले पर होते हैं एंड मूव सो क्विकली और इतनी तेज़ी से मूव करते हैं दैट दे डू नॉट रियली अट्रैक्ट ईच अदर, कि ये एक दूसरे के को बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं कर सकते। दे मूव इन स्ट्रेट लाइन्स, ये स्ट्रेट लाइन्स में एक दूसरे के साथ मूव करते हैं, स्ट्रेट लाइन में सीधी लाइन में मूवमेंट होती है। इनफ्रीक्वेंटली कोलाइड विद ईच अदर, और एक दूसरे के साथ टकराते हैं। एंड द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, और कंटेनर की दीवार जो जिस कंटेनर में बर्तन में इसको रखा जाता है उसकी वॉल से भी टकराते हैं, दे आर इन, जिसमें वो मौजूद होते हैं। द लार्ज डिस्टेंसेज बिटवीन गैस पार्टिकल्स मीन दैट गैसेज कैन बी स्क्वैश्ड और कंप्रेस्ड ईजिली। जब इनके बाद दरमियान में मॉलिक्यूल्स के बीच में एटम्स के बीच में फासला इतना ज़्यादा होता है, गैप इतना ज़्यादा होता है कि इनको ईजिली आप कंप्रेस कर सकते हैं, इनको दबा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कि परफ्यूम को जब आप स्प्रे करते हैं तो उसमें से बहुत प्रेशर से सेंट निकलता है, उसमें से बहुत प्रेशर से परफ्यूम स्प्रे होता है क्योंकि उसको काफ़ी ज़्यादा कंप्रेस करके दबा के बाई प्रेशर भरा जाता है उसके अंदर परफ्यूम को, जिसकी वजह से या बॉडी स्प्रे को व्हाटएवर, तो उसकी वजह से वो काफ़ी स्पीड में काफ़ी प्रेशर से बाहर आता है। नेक्स्ट देखिए, दीज मॉडल कैन बी यूज टू एक्सप्लेन वाई मैनी थिंग्स बिहेव इन द वे
दैट दे डू, ये चीज़ें आपको बताती हैं कि कैसे जो है वो इस मॉडल से आपको पता चलता है कि चीज़ें किस तरह से बिहेव करती हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की फॉर्म में. फॉर एग्जांपल, इट कैन एक्सप्लेन व्हाई लिक्विड फ्लो, इससे आपको पता चलता है कि लिक्विड जो है वो फ्लो क्यों कर रहा होता है बट सॉलिड डू नॉट, सॉलिड जो है फ्लो नहीं करते, और व्हाई कैन नॉट द व्हाई कैन कंप्रेस गैसेस मोर इजीली देन सॉलिड, और सॉलिड की नस्बत आप गैसेस को इजीली कैसे कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं. ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए, एविडेंस फॉर पार्टिकल मॉडल, पार्टिकल मॉडल सही है या नहीं, इसके लिए कैसे आपको शहादत या गवाही दी जा रही है, सबूत प्रोवाइड किए जा रहे हैं. ऑल दो वी कैन नॉट सी द इंडिविजुअल पार्टिकल्स, इंडिविजुअल एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन गैसेज, लिक्विड एंड सॉलिड, देर आर लॉट्स ऑफ एविडेंस टू सपोर्ट द पार्टिकल मॉडल. हम बेटा गैसेज के अंदर इस तरह से मॉलिक्यूल्स को, एटम्स को मूव करते हुए या मूव ना करते हुए देख नहीं सकते पीने के डाय से. ठीक है, लेकिन इसके लिए हमें कुछ एविडेंसेस प्रोवाइड की गई हैं बाय द साइंटिस्ट, देखते हैं. लेट्स लुक एट दैट एविडेंस दैट पार्टिकल एग्जिस्ट. ठीक है जी, ये सबूत के पार्टिकल्स मौजूद होते हैं. हैव यू एवर नोटिस्ड हाउ ए बलून ऑलवेज गोज डाउन आफ्टर अ वाइल, आपको कैसे पता चलता है कि बलून जो है वो थोड़ी देर के बाद जो है वो नीचे आ जाता है. ठीक है, नो मैटर हाउ टाइटली द बलून इज टाइट, जितना मर्जी आप बलून को टाइटली उसके अंदर हवा को फिलअप कर दें, द एयर इन साइड सीम्स टू एस्केप, ऐसा लगता है कि हवा जो है उसमें से बाहर निकल रही है. दिस इज बिकॉज, ये किस वजह से होते हैं बेटा, द स्किन ऑफ द बलून बलून हैज़ मैनी हैज़ मिलियंस ऑफ होल्स इन इट, क्योंकि इसकी जो स्किन है बलून की उसके अंदर बहुत ज़्यादा वो पाए जाते हैं, होल्स पाए जाते हैं. द मॉलिक्यूल्स इन एयर आर स्मॉल इनफ टू पास थ्रू दीज होल्स एंड सो द बैलून डिफ्लेट्स, यानी इस तरह से जो मॉलिक्यूल्स हैं बैलून के वो गैस के वो इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि वो इन होल्स में से गुजर सकते हैं और बैलून जो है उसमें से हवा निकल जाती है. ठीक है जी, ये देखिए आपके सामने ये बैलून है, ये आप इसको अगर टाइटली बंद करते हैं तो ये देखिए इसके बीच में अगर छोटे छोटे बारीक से पार्ट जगह हैं, स्पेसेस हैं, उसमें से गैस मॉलिक्यूल्स या गैस एटम्स बाहर निकल जाते हैं, जिससे आहिस्ता आहिस्ता कुछ देर के बाद, समटाइम्स अगर आप मॉर्निंग में लेते हैं तो इवनिंग तक ही बैलून जो है वो काफ़ी ज़्यादा उसमें से हवा निकल जाती है, और आफ्टर अ वीक अगर आप देखें तो बिल्कुल उसमें से हवा बाहर निकल चुकी होती है. ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए, एविडेंस दैट पार्टिकल्स आर ऑलवेज मूविंग, आपको कैसे एविडेंस दी जा रही है कि पार्टिकल्स जो हैं वो मूव करते हैं. व्हेन यू टेक अ कैप, टेक द कैप ऑफ द बॉटल ऑफ परफ्यूम, जब आप परफ्यूम की बॉटल का कैप उतारते हैं, द स्मेल ग्रेजुअली स्प्रेड्स आउट, तो उसमें से खुशबू बाहर निकलती है. आफ्टर अ फ्यू मिनट्स द सेंट कैन बी डिटेक्टेड सेवरल मीटर्स अवे, काफ़ी दूर से भी पता चल जाता है अगर अच्छे परफ्यूम होंगे कि जहाँ कहाँ, यानी खुशबू कैसी है, कि खुशबू आ रही है, इसकी स्मेल आ रही है अच्छी सी. दिस इज़ बिकॉज सम ऑफ द परफ्यूम मॉलिक्यूल्स हैव एस्केप्ड एंड मूव्ड अक्रॉस द रूम बाय कोलाइडिंग विद द मूविंग एयर मॉलिक्यूल्स, इससे क्या पता चलता है बेटा कि कुछ जो मॉलिक्यूल है परफ्यूम के वो बाहर निकल गए थे बॉटल से, और जिसकी वजह से वो हवा के मॉलिक्यूल से, एयर मॉलिक्यूल से कोलाइड करते हैं, टकराते हैं, और इस तरह से वन सब्सटेंस स्प्रेडिंग थ्रू अनदर इज कॉल्ड डिफ्यूजन, इस तरह एक सब्सटेंस दूसरे से टकराता है, उसको भी सेंटी कर देता है, परफ्यूम की खुशबू वहाँ तक भी पहुँच जाती है, इस तरह से जो इसकी स्मेल है वो दूर तक पहुँच सकती है. ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, मोर एविडेंस दैट पार्टिकल्स आर मूविंग, कैसे आपको ये शहादत मिलेगी कि पार्टिकल्स जो है वो मूव करें. वी कैन गेट अ बेटर आइडिया ऑफ हाउ पार्टिकल्स मूव बाय लुकिंग एट स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्मोक सस्पेंडेड इन एयर, हम बेहतर तौर पे ये जान सकते हैं कि पार्टिकल्स जो है वो मूव कर सकते हैं अगर हम धुएं को उड़ता हुआ देखें हवा में. ठीक है जी, क्योंकि धुएं के अक्सर जो ब्लैक ब्लैक पार्टिकल्स हैं वो नज़र आ रहे होते हैं ना, तो आप देखते हैं कि वो उड़ता हुआ महसूस होता है. स्मॉल ग्लास कंटेनर कॉल्ड अ स्मोक सेल इज फिल्ड विद स्मोक एंड इल्यूमिनेटेड फ्रॉम वन साइड ऑन द स्टेज ऑफ माइक्रोस्कोप, आप देखते हैं कि अगर माइक्रोस्कोप की स्टेज पे आप शीशे से भरा हुआ, यानी इस तरह से एक वो रखे हैं शीशे का बर्तन जिसके अंदर आपने स्मोक के पार्टिकल्स को
महफूज किया हुआ है, ठीक है जी। तो आप उसको इजीली उसका ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसको मुशाहिदा कर सकते हैं, ठीक है जी। थ्रू द माइक्रोस्कोप लेंस हंड्रेड्स ऑफ सॉरी दो थ्रू द माइक्रोस्कोप लेंस हंड्रेड्स ऑफ टाइनी ब्राइट स्पेक्स कैन बी सीन जर्किंग अबाउट इन ऑल डायरेक्शन। जब आप उसमें से देखेंगे तो ये देखेंगे, आपको डायग्राम में दिखाया गया है, कैसा महसूस होगा कि ब्राइट कलर के कुछ एटम्स हैं जो तेज़ी से इधर उधर मूव कर रहे हैं, ऐसे महसूस होगा, ठीक है जी। द ब्राइट स्पेक्स आर स्मोक पार्टिकल्स, ये जो रोशन नज़र आने वाले ज़रात हैं, ये क्या हैं बेटा, ये स्मोक के पार्टिकल्स हैं, एंड दे मूव बिकॉज दे आर बींग बम्बार्डेड बाई मूविंग मॉलिक्यूल्स इन द एयर। यार ये क्यों मूव कर रहे हैं, क्योंकि इसको जो है मतलब ये कि ये इनकी बम्बार्डमेंट हो रही है, टकराव हो रहा है दूसरे गैस मॉलिक्यूल्स के साथ, ठीक है जी। द रैंडम मोशन इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन, ऐसी बेतरतीब हरकत जो किसी फिक्स मूवमेंट में ना हो, किसी स्ट्रेट लाइन में ना हो, क्या कहलाती है बेटा, ब्राउनियन मोशन। इट इज़ नेम्ड आफ्टर द स्कॉटिश साइंटिस्ट, और इसको स्कॉटलैंड के एक साइंटिस्ट ने नेम दिया था, रॉबर्ट ब्राउन। इन 1827 ब्राउन नोटिस दैट पोलन ग्रेन्स मूव जर्कली, उसने ये कहा था कि पोलन ग्रेन जो है वो मूव करते हैं व्हेन प्लेस्ड इन वाटर, जब उन्हें पानी में आप डाल कर रखते हैं। इन दिस केस द टाइनी पोलन ग्रेन्स वर बींग बम्बार्डेड बाय मूविंग वाटर मॉलिक्यूल्स, और इस केस में जो छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स और पोलन ग्रेन्स को।